हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन. कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल. तो आज है थर्सडे और सुबह सुबह मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट का प्रिपरेशन कर रही हूँ. घर की क्लीनिंग वगैरह हो चुकी है और शावर भी ले लिया है. तो अब मैं आई हूँ किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए. तो ब्रेकफास्ट में आज मैं बना रही हूँ एग सैंडविच. मैंने सुबह सुबह एग और ये ब्राउन ब्रेड मंगवाए थे हस्बैंड से, तो फ्रेश है ये ब्राउन ब्रेड. तो आज इसी का सैंडविच बनाएंगे और जल्दी से बन जाएगा, इसलिए क्योंकि इसके बाद हमें मार्केट भी जाना है. और साथ में मैंने मिल्क मंगाया था, ये टोन मिल्क है, हम यही वाला यूज़ करते हैं और अच्छा है. तो इसका मैं दही भी जमाती हूँ, तो दही भी काफ़ी अच्छा जमता है इसका. तो इसको बॉईल करने के लिए रख दूँगी एक साइड, और एक साइड मैं ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करूँगी. और आज हस्बैंड का ऑफ है, वो घर पे ही रहेंगे क्योंकि वो काफ़ी दिन से उन्होंने ऑफ लिया नहीं था और रेस्ट भी नहीं हो पा रहा था. इस बीच कभी इधर कभी उधर जाना हो रहा था, तो उन्होंने आज ऑफ ले लिया है. आज रेस्ट करेंगे घर पे ही, तो इसलिए मैं हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट बना रही हूँ और फिर देखते हैं कि दोपहर में क्या खाना है. तो इससे पहले मैंने जो पैन रखा हुआ था दूध का, उसमें भी दूध ही था, वो दही जमाने के लिए गर्म किया था मैंने. और सैंडविच और चाय रेडी है, अब हम ब्रेकफास्ट कर लेंगे और उसके बाद बाकी के बचे हुए काम मैं कर लूँगी. तो ब्रेकफास्ट में शुगर फ्री बिस्किट जो है ये भी लेना मैं पसंद करती हूँ एक आध, तो ये तो मॉर्निंग में हम लेते ही हैं डेली. और ब्रेड को मैंने ऐसे ही सेक लिया था, उसमें कोई घी वगैरह नहीं लगाया था और ऐसे ही अच्छा लग रहा था. तो बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद अब मैं मार्केट के लिए तैयार हो रही हूँ और ये हस्बैंड भी रेडी हो चुके हैं. आज पहली बार कैमरा के सामने थोड़ा सा स्माइल किया है इन्होंने, तो रेडी हो गए हैं मार्केट जाने के लिए. तो हम हो गए हैं रेडी मार्केट जाने के लिए और कुछ सब्जियाँ वगैरह लानी हैं, फ्रूट्स लाने हैं. तो मैं मिलूँगी आपसे थोड़ी देर बाद. तो ये मार्केट से आने के बाद का वीडियो है, क्योंकि आज मैं मार्केट में बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाई, बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी कि हम बिल्कुल भी रुक नहीं पाए और फटाफट से हम शॉपिंग करके आ गए. ज़्यादा कुछ सामान लिया नहीं, सब्ज़ियाँ लेनी थी लेकिन ऐसा था कि फ्रेश सब्ज़ियाँ नहीं मिली, तो इसलिए हम फ्रूट्स वगैरह ही ले आए और कुछ छोटा मोटा घर का सामान. तो आज एप्रिकॉट भी लेके आए हैं हम, और इसके साथ में ये केले और एक वाटरमेलन, ये फ्रूट्स लेके आए हैं. और साथ में ये ओडोनिल और ये पी आटा नूडल्स लेके आए हैं, फर्स्ट टाइम लाए हैं. और ये टिश्यू रोल किचन में चाहिए होते हैं, और ये किचन वाइप्स स्क्रॉच पाइप के. तो इन फ्रूट्स वगैरह को वॉश करके फिर मैं रख दूँगी इनको फ्रिज में ठंडा होने के लिए. और ये तरबूज पे उन्होंने स्टिकर लगा दिया है, बट कोई बात नहीं, इसे तो हमें अंदर से ही खाना है, तो इसलिए मैंने निकाला नहीं वो. और यहाँ पे कुछ खाने का मन हो रहा था, तो मैंने सोचा एप्रिकॉट कट कर लेती हूँ, थोड़ा सा ये खा लेंगे साथ में बैठकर. और अच्छे हो रहे थे, टेस्टी लगते हैं ये भी. और अलग अलग तरह के फ्रूट्स खाने चाहिए समर्स में स्पेशली. तो फ्रूट्स वगैरह खाने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में. जो मैंने बर्तन वगैरह वॉश किए थे उनको अरेंज कर लूँगी अच्छी तरीके से. और ये वाटरमेलन भी मैं कट करके फ्रिज में रख लूँगी, क्योंकि मम्मी लोग कहते हैं कि वाटरमेलन को कट करके अगर फ्रिज में रखो तो ये जल्दी से ठंडा होता है, तो इसलिए मैं इसके दो पीस कर लूँगी और इसको फ्रिज में रख दूँगी. और ये है फ्लैक्स सीड्स, तो ये मैं दो पैकेट कट करके निकाल दूंगी और इसको मैं थोड़ी देर धूप में सुखाऊंगी और इसके बाद इसका पाउडर बनाऊंगी. एक्चुअली हम ये मल्टीग्रेन आटा बनाने में यूज़ करते हैं, और इसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 होता है, जो कि हमारी स्किन और हमारे बालों के लिए अच्छा है और वेट लॉस करने में भी काफ़ी हेल्प मिलती है. तो इसलिए मैं हमेशा इसको यूज़ करती हूँ अपने मल्टीग्रेन आटा बनाने में. तो अब शुरू करते हैं लंच के प्रिपरेशन. लंच में आज मैं ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं बना रही
क्योंकि पिछली बार आपने देखा होगा हॉलीडे स्पेशल मैंने बनाया था, लेकिन आज कुछ भी स्पेशल नहीं है। आज बनेगी हमारे घर में सिंपल सी खिचड़ी, और वो भी काफ़ी टाइम बाद, क्योंकि हस्बैंड के प्रेफरेंस पे बन रही है। मुझे खिचड़ी ज़्यादा पसंद नहीं है और उनको बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा आज बना देती हूँ। और पतली वाली खिचड़ी खाना पसंद करते हैं वो, तो इसलिए मैं ये दाल वगैरह भिगा देती हूँ और यहाँ पे तड़का लगा दूँगी तब तक। तो कभी कभी खिचड़ी भी खाना चाहिए, पेट के लिए अच्छी होती है। उसमें मैंने मूंग दाल में मिलाई है, और साथ में थोड़ी सी अरहर की दाल और थोड़ी सी मसूर की दाल, और थोड़े उसमें चावल मिक्स कर दिए हैं। तो ये पापड़ फ्राई कर रही थी मैं, तो एक थोड़ा सा जल गया था, काम कर रही थी मैं दूसरा उस बीच। तो यही है सिंपल सा लंच मेन्यू आज का। ज़्यादा भूख भी नहीं लगी थी क्योंकि हम मार्केट में गन्ने का जूस पी के आए थे, और गर्मियों में तो ऐसा होता है कि ज़्यादा खाया भी नहीं जाता है, बस मन करता है कि पानी पीते रहो दिन भर। तो एक सीटी में मैं खिचड़ी भी पका लूँगी, और पानी खूब सारा डालूँगी इसमें, क्योंकि पानी वाली खिचड़ी पसंद है हस्बैंड को, पतली वाली। और दूसरी साइड मैंने सैलेड भी कट करके रख लिया है, और देख रहे हैं खिचड़ी बहुत पतली पतली बनी है, तो इसमें मैं 2 चम्मच घी मिला दूंगी घर का। बस खिचड़ी रेडी है और अब हम सर्व कर लेंगे। तो आप लोग भी खा लीजिए लंच। तो इसके बाद मैं डायरेक्टली शाम का शूट कर रही हूँ, और ये 6 बजे का है। हमने बाहर से ऑर्डर किया था चिकन रोस्टेड और साथ में एक कोक, कोक नहीं है सॉरी, ये थम्सअप है। तो एक्चुअली हल्का फुल्का लंच करने के बाद भूख लग गई थी, तो आज ऑफ भी था हस्बैंड का, तो हमने सोचा कुछ मंगा लेते हैं, साथ में पार्टी हो जाए, तो इसलिए ये मंगाया। और कभी कभी ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। और गर्मियों में तो हम नीचे बैठ के खाते हैं सब, क्योंकि ऊपर बहुत गर्मी होती है और टेबल भी थोड़ा सा छोटा है, तो इसलिए। और साथ में हम टीवी भी देख रहे थे और कुछ बातें। बस ऐसा ही रहा हमारा हॉलिडे, सिंपल सा, थोड़ी देर रेस्ट किया बीच में। शाम के 4:30 बज गए हैं, और ये ब्लॉग मैंने सुबह से स्टार्ट किया हुआ था, जिसको अभी तक मैंने एंड नहीं किया है, और बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अभी इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना। तब तक के लिए बाय बाय।